पीथमपुर औद्योगिक नगरी सेक्टर एक में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय योग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग किया। पीथमपुर औद्योगिक नगरी सेक्टर एक में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय योग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व योग किया। वहीं आयोजन के अंतिम दिन योग दिवस पर ही रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नन्ही बालिकाओं द्वारा योग दिवस पर रंगोलियां बनाई गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार हिमांशी शंगुले को दिया गया। हिमांशी द्वारा योग दिवस के अवसर पर विशेष रंगोली तैयार की थी, जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष रेखा पांडे, सचिव ललिता नरवरे, अंतिम बाला राठौड़, राजेश्वरी संगुले, कविता गुर्जर, रानू पाटीदार, माया सेजल, राय शिला, सूर्यवंशी आदि मौजूद रहे। जी बताइए, जो रंगोली प्रतियोगिता में आपको प्राइज मिला है, क्या थिंक थी आपके रंगोली के पीछे? सबको योगा दिवस की शुभकामनाएं। जो योग जो है वो इंडिया से इंस्पायर है, मतलब इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये हमारी संस्कृति है और हमारा ही देन है दुनिया को। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश ने बहुत अच्छी चीज़ दुनिया को दी और यही कि सब योग जो हमारा है उसे यूज़ करें और प्रचार करें देश विदेश में कि हम ये हमारा है और हमारे हमें से वैल्यू करने आनी चाहिए। जो हमारा है वो हमारा है। थैंक यू। तुम्हारा नाम बताओ। नाम हिमांशी साहू। योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी अवसर पे भारत शासन का जो नेहरू केंद्र है उसके तत्वाधान में रामजी महाजन स्मृति मंच जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जितने भी महिला मंडल है यहाँ उन्होंने उनका सहयोग किया, जैसे वैष्णवी महिला मंडल, आपका ताप्ती महिला मंडल और एक ताप्ती युवा मंडल, उसके बाद में केशव कंप्यूटर वाले जगदीप जी, आपके यादव साहब, इन सब लोगों ने इसमें सहयोग किया है बच्चों को बुलाने में और योग दिवस में। और यहाँ से उन्होंने टीचर की व्यवस्था करवाई जिससे ये योग दिवस 7 दिन तक के कार्यक्रम चलते रहा। योग दिवस क्यों मनाना चाहिए, योगासन का क्या शरीर को लाभ? ये क्या है, शरीर के स्वस्थ रहने के हिसाब से हर तरह का व्यायाम माने जिस तरह से उनको जिससे लाभ मिले, जैसे श्वास वाला है, पेट में से हवा निकालना है, हाथ पाँव में दर्द है, उस हिसाब से अलग अलग व्यायाम के बारे में इन लोगों को जानकारी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभ नाम प्रयागराव कवड़कर, मैं अध्यक्ष हूँ रामजी महाजन स्मृति मंच धार का और मेरे सभी सहयोगी है ज्ञानराव जी सोनारे, ये भी अपने रामजी महाजन स्मृति मंच के युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, आपके झरवड़े जी हैं इधर, हमारे देवेंद्र बारस्कर, ये सब लोगों ने इसमें अच्छा सहयोग किया, यादव जी हैं, मालवी जी हैं, इन सब लोगों ने सहयोग किया है। धन्यवाद। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।